भैया पुनीत जी कौन से फ्लोर पर हैं? यहाँ पे हैं? नहीं फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर पे। आप तब तक सर को कॉन्फ्रेंस में बिठा दो, मैं चेक कर लेता। नहीं हम थर्ड फ्लोर पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी थर्ड फ्लोर पे चले जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। आई एम ऑल्सो सेइंग दैट यू कैन वेट हियर, आई आस्क हिम टू कम डाउन स्टेयर्स। हाँ ठीक है, ब्लॉक वी आर कॉन्फ्रेंस में बिठाएंगे। आई एम सॉरी, व्हाट्स योर नेम? दीपक। चलो सारे प्रोजेक्टर को कौन पुनीत है कौन? उसके थ्रू हुई थी ना, उसने हमारा केस हैंडल कराया था। अच्छा उसने हैंडल करा वो है, फिर हम नहीं जानते किस और में। हाँ उसके अलावा तो एक वो अरविंद है, उससे तो फोन पे बात हुआ। अरविंद तभी हुआ है वो, फिर वो रीजन क्या हुआ अपना कि किस वो ये बताऊंगी तो। रीजन तो क्या है, जैसे कई बार काम नहीं बनता। नहीं नहीं भाई कुछ कही हो के बेरा ना करे हो हमने के बेरा। हाँ इस बात का सोचने वाली बात ये। फिर वो आईलेट्स का पेपर ऊपर दिया था, क्यों कर उन इनने कही थी? अच्छा वो अलग है, देना ही पड़ता है, वो अलग मैटर है, वो अलग। वो उसका कुछ होया फिर? वो तो गया हो गया। आप सुनाइए। बढ़िया जी, बताओ जी। हाँ जी सर, पैसे दीजिए। कोई नहीं दिया आपकी बात अभी भी। क्या बात है, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आती क्या बात हो रही है। मेरे को दे ही नहीं, बात 20 दिन हो गए मेरे को, बात हुई नहीं हुई। क्या बात है, पैसे लेते वक्त तो इतनी बात नहीं हुई। पैसे लेते वक्त आपसे बात नहीं हुई, बट पैसे लेते वक्त हमने ये भी तो बताया था आपको रिफंड कर देंगे। तो कब करोगे सर? उसके लिए दाल तो दिया था आपको, और मैंने उस पे ओके भी अप्रूवल कराया। क्या कि ओके रिफंड के लिए? किस चीज के लिए? नहीं नहीं, एक एक महीने में हम 1-1 लाख का चेक का, वो ओके कह रहे हो आप? उसी को ओके कर रहा हूँ जी। सर जी आप है ना, हम नहीं लेंगे, हम लेंगे कैश। और वैसे भी हुआ ना, इन्होंने 5-6 मेल भेज दिए। अच्छा तो बंदा आदमी लास्ट में कंफ्यूज। रोहित जी क्या सर जी, पैसे वापस कीजिए। सही है वो जो आप नाराज की बात है ही नहीं, टाइम टाइम आप दे रहे हो और कुछ काम हो नहीं रहा। काम हुआ नहीं हुआ उसके भी नहीं रहा, पेमेंट के चक्कर में है ना जी। आप हमारे पेमेंट तो ही है तो इकट्ठी दो ना। सी बात बार बार क्यों नहीं पहले बता देते? अगर रिफंड होगा तो हम किस्तों में पैसे देंगे, चेक में देंगे, ऐसे है कोई कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ये बात बात में कुछ नहीं होता जी। नहीं नहीं दीपक जी देखो, आपको नहीं बताया गया, बट एक्चुअली में हमारे सारे क्लाइंट्स को पता ही चीज। नहीं नहीं तो आपने नहीं क्यों नहीं बताया? नहीं जो नया क्लाइंट था तो उसको तो पहले बता। सारे क्लाइंट्स को पता है, कौन से क्लाइंट्स आप मिलवाते हो मेरे को आप क्लाइंट से? नहीं दीपक जी मैं अब आपने ना तो आपने कोई फीडबैक बता रखा? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारा आप तो फोन भी नहीं उठा रहे थे। एक मिनट पुनीत जी, मैंने आपके पास फोन किया, आपने तो फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद मेरी आपसे लास्ट बात कुछ बात नहीं हुई, वो भी पहले फोन उठाए आपने उठाना ही बंद कर दिया। दूसरा कॉल आएगा, एक घंटे में कॉल आएगा, कॉल ही नहीं आ रही। मेरी बात सुनिए, बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे कमाल हो गई, आप ऐसे किस तरह से सोच सकते हैं, ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप यार बताओ, 26 साल से कंपनी चला रहे हैं, 23 साल से पन लेके बेटा फिर सकते आराम से बैठे। आज आराम से बैठने के लिए नहीं आया, फिर क्या लड़ने आया हमसे? नहीं लड़ के तो फायदा क्या, मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि भाई यहाँ पैसे लेने आया हूँ, आपने बात खत्म। ठीक है, नहीं तो आप इंटरेस्ट क्यों लेके जाओगे आप? क्या नाराज होगी क्यों लेके जाओगे आप? खुश कर देना, ब्याज दे दिए, ब्याज दे दिया। टाइम मेरे को फ्राइडे को या सैटरडे को ये कहा था कि ट्यूसडे को हम आपको फोन करेंगे, आपने फोन नहीं किया, बिल्कुल नहीं आया। अरविंद को फोन नहीं आया? वो आया था कि ट्यूसडे को बात करेंगे, पर ट्यूसडे गए आज वेडनेसडे है। रुक जाओ जी, एक बार कर लेंगे। हां बोलो, हां बताओ आपने, आप
आप अकेला को कैसे जानते हो, कंपनी को कैसे जानते रहे आप? जब हमारे पास रजिस्टर करा 28 साल से हम कंपनी चला रहे हैं, जो भी ठीक है, नहीं हम बात नहीं है, जो भी नहीं है ना दीपक जी, आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद फोन करा है। सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं, ये मेरी बात होने दीजिए, चार लोगों के बीच बात जो भी है। अरे मेरी बात सुनो दीपक, मेरी बात सुनो, रिफंड को तो छोड़ दो, रिफंड तो होना है आपका, ठीक है। और ये रिफंड आपको, आपको ऐसी कंपनी भी, आपने इतनी बुराइयां कर ली हमारी, ऐसी कंपनी आपको कहां मिलेगी? आप सब, हम सब भी कंज्यूमर रह चुके हैं अपनी जगह में, जिसमें हम एक कंपनी के पास गए, सर्विस के लिए ऑप्ट किया, कंपनी बोला जी सर्विस देंगे, महीना डेढ़ महीना जितना भी आपको टाइम हुआ हमारे साथ, खुद ही हमने फोन कर दिया कि सर ये केस नहीं होगा, है ना, क्योंकि मेरे पास ही आया था ये इन सब लड़कों का केस। तो जब ये केस को देखा, जो भी प्रोफाइलिंग थी, कनाडा वालों से बात करी, उन्होंने कहा सर ये केस ना वीक केस है, आगे जाके अटक जाएगा, हो सकता है कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के लिए मना कर दे। इतनी सी बात थी, मेरे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था, मैं दिन रात कनाडा 26 साल से कंपनी चला रहा हूं, तो आप इस चीज में मत हो जाओ, ठीक है जी। अल्लो ने इतना ही बोला कि सर ये केस वीक है, आगे जाके स्टक हो सकता है। स्टक होने का मतलब पता क्या होता है? निकल गया, नहीं निकला। मैंने उसी टीम को बोला कि जी केस को मत करो, जो भी पेमेंट दिए ना हम उन्हें वापस कर देंगे, ठीक है जी। सुनिए, हमने खुद अप्रोच कर दिया कि, या आपने भी फोन करा है, जिसको तो होता है, चलो कोई नहीं, हमने कहा कि आपने ये 6 जो भी पेमेंट दिए ना आप हमसे वापस ले लीजिए। और उस बात को सिर्फ वर्बल नहीं करा, ऑफिशियली सीआरएम डिपार्टमेंट ने ये कह दिया, पानी दे बेटा, कि ऑफिशियली सीएम डिपार्टमेंट कह दिया कि सर ये हम आपको रिफंड कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको 6, हमारा भी रिफंड साइकिल होता है, हम आपको 6 चेक्स में वो दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, उसके बाद परसों मैंने खुद फोन करा, समझ रहा हूँ, चलो थोड़ा सा कोऑपरेट ना, आप भी हमारे, आपकी बात मैंने मान ली कि 6 चेक्स नहीं करते, इसको 2, 2.5, 3 जितने भी मैं करते ना उतने में मैं कर देता हूँ, और हम कुछ रिडक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो बोले नहीं रोहित जी ऐसा करिए, आप और कुछ नहीं तो 2 में कर लो। मैंने, चलो 2 आप कह रही हो, 6 हम कह रहे हैं ना, मैं कहीं ना कहीं बीच का 2-3 महीने का आपको चेक्स दे देंगे, ये रहे आपके चेक्स। सुनिए, और तो हमने कुछ नहीं कह दिया ना, आप मुझे बताइए और कुछ क्या हाल है सारे भैया के। भाई यो एक रेगुलर ब्लॉग नहीं है, क्योंकि यो पता है मैंने सितंबर में कही थी कि हमारे साथ कुछ घटना घटी है, उसकी हमने वीडियो बना रखी है, और वो वीडियो हम डाल क्यों ना रहे थे, क्योंकि भाई हमारी पेमेंट जो थी, जो हमने दी थी, मतलब क्या था पूरा सिनेरियो बताऊंगा, 6 लाख रुपए दिए थे एक कंपनी ने, जो कि वीजा और मतलब जो अदर कंट्री है उसमें PR दिलवाती है, परमानेंट रेजिडेंस। तो जो हमारे जीजा है ना, उन्होंने क्या था कि भाई यहाँ से जा रहे थे वो कनाडा शिफ्ट होने परमानेंटली, तो उन्होंने कंपनी को इस डील में मतलब लिया कि भाई मेरा PR लगवा दो, वीजा लगवा दो, और वो डील हुई थी भाई 30 लाख रुपए में फुल एंड फाइनल, के भाई 30 लाख रुपए में हम सारा काम करा के देंगे, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली थी उन्होंने 6 लाख रुपए, ठीक है। और भाई वो 6 लाख रुपए है ना, उन्होंने एकदम से हार्ड कैश मांगा था, मतलब जीजा ने दे दिया। देने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा कि ना, मतलब पेमेंट ले ली, काम चल रहा है जी, मतलब एक आदमी को टलकाना शुरू करा, हाँ जी अब ये कागज लगा दिया, वहां से आना है, अप्रूवल होना है, ये होना है, इसमें उन्होंने निकाल दिए कम से कम भी 4 महीने, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा भाई 4 महीने निकल गया, आपने कहा था 2 महीने में आपका काम हो जाएगा, फिर हमने मतलब जी जाने उनको बर्डन देना शुरू करा, भाई कराओ मेरा काम कराओ। फिर उन्होंने क्या करा, सर वहां से अप्रूवल नहीं आ रहा, कोविड की दिक्कत है, ये वो फलान दिख रहा, मतलब 70 बहाने मार दिए। उसके बाद हमने जाकर सीधा कंपनी को अप्रोच किया, और उसके बाद जो भी हमारी बहस हुई है, गर्मा गर्मी हुई है, वो सब आप आगे वीडियो में देख लेंगे। कुछ इसमें ऐसी कोई बात ऐसी कही? अच्छा नहीं, अगर आपकी बात उनसे हुई है, अगर उनका फोन आया है, तो उनको सीधा इतना ही कह दे कि यार रोहित सर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो 6 महीने हमने आपके बाद मान ली, आपने नहीं लेना मत लीजिए, आप हमसे 2-3 महीने के चेक लो, और 5 दिन के अंदर हमसे चेक पकड़ो और कहानी खत्म, ठीक है जी। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, कहने का मेरा मतलब ये है, मैं 6 महीने और बैठा रहता अभी, उस बंदे को कहता है तू कर यार, केस देखी जाएगी, नहीं होगा ना, लास्ट में साल 1.5 साल के बाद कह देंगे जी सॉरी नहीं हो पाया, तब भी तो ये चेक ही वापस देते ना, कोई बेईमानी किसी ने करनी तो पेमेंट लेके बैठा रहता है ऐसे, साल भर के बाद कहता है जी सॉरी नहीं हुआ, मैंने तो यार दीपक जी बहुत सारी चीज गलत बोली है। बोलिए, पहली बात तो की आपकी तरफ से कोई फोन आया हमारे पास, इस बात को 3 महीने हो चुके हैं,
पहली टेबल पे बात हो गई थी कि 3 महीने के अंदर अंदर LMI मिल गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 1 साल भर और 6 महीने की तो बात ही नहीं रही क्योंकि हम खुद ही आ जाते हैं लेने के लिए। ना तो इनका फोन आया मेरे पास कि जी आपका काम नहीं बना। हम बार बार हर महीने फोन करते हैं, हर 10-15 दिन में फोन करते हैं जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया कि हाँ भाई हम फोन कर रहे हैं। पहली बार 21 तारीख को हम यहाँ आए तो इन्होंने कह दिया जी आपका काम नहीं बना है, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। माँ जी कितना टाइम? बोला जी सैटरडे तक आप रुक जाओ, कोई बात नहीं। फिर बीच में ये निकलते गए, मैंने भी इनको पूरा एक एक हफ्ता मैंने फोन ही नहीं किया कि हाँ कोई नहीं, ये कह रहे हैं ना कि हम उस दिन फोन करेंगे, उस दिन फोन नहीं आया बिल्कुल। ठीक है, जैसे ट्यूजडे को आपका फोन आना था, किसी का फोन नहीं आया। हम आराम से तसल्ली से मगर वेडनेसडे में आ गया और साल को भी मैं क्यों रुकूंगा? नहीं, जब मेरी आपसे लास्ट बार आप ये कहोगे ना कि मैं एक साल तक सुनिए आपका LMI का काम पहली बार रखेंगे हम, हमारा जो नहीं दीपक जी पहले आपके पास जो मेरी मेल गई थी उसमें पहले लिखा था 6 मंथ से पहले अगर हम बात करें तो नॉमिनेशन की वो नहीं है। ये चीज तो अभी इनकी वर्डिंग अभी की क्लियर थी लेते वक्त पहले बोल रहा इनके पास अगर काम नहीं होता है बाय चांस अभी की वर्डिंग पेमेंट ऐसे से इनको दीपक ने किया था जब मैंने वो कहा था कि इनसे 2-3 महीने की बात कर ली थी। बस बात कर तुम मेरे पास कभी आज तक फोन आए नहीं है। मैं अरविंद जी आपको हमेशा कहता था ये फोन नहीं उठाते थे और मैं आपको करता था नहीं चलो अगर आप एक मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ एट माई पोजिशन टीम मेंबर्स को कहा और उन्होंने फोन नहीं करा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की भी जो मैं उनको किस लिए बुलाया अभी ताकि क्लियर हो जाए कि यार जब मैंने ये नहीं कि मुझे इन पे डाउट था इन्होंने कहा। मैं आपको भी ये क्लियर कर देना चाहता था कि ये 4 बजे अगर एक कमिटमेंट को दी थी ना कि हम फोन करेंगे तो जब इन्होंने कहा कि इनसे बातचीत क्योंकि इनके साथ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना हुआ है इतनी ही बात कही थी कि 6 महीने की जगह उनको बोल दो यार चलो 2 महीने के चेक ले लें 3 महीने के मैक्सिमम हम उनके साथ कर लेते हैं। 28 साल से ऑर्गेनाइजेशन चला रही कहीं नहीं जा रही जाओगे आप भी नहीं। मैंने को ये बोल दिया था मैं नहीं लूंगा क्या कि पूरे एक महीने में चाहे 2 चेक दे दो 15-15 दिन के लूंगा। एक चलो हम आपसे ये बात ही कर लेते हैं आप 1 महीने के मैं आपसे कह रहा हूँ 2 महीने के ले लो क्या हो गया उसमें यार इतनी आदमी हमारे साथ कोऑपरेट कर लो ना कर ले तो हुआ कहाँ चाहिए चलो चलो मान लो ये डन हो गया आज आप मान लो 10 तारीख का चेक दो तो 10 अक्टूबर का और 1-10 का सुनो मैं आपको आपको हम तरह भी देते हैं कोई बात नहीं हम आपसे 2 चेक भी नहीं ले रहे आप एक डेट दे दो महीने 2 महीने के अंदर की उस डेट को हमें पूरे पैसे इनको 10 नवंबर और 10 दिसंबर आपके देखिए हमारी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है नवंबर और दिसंबर में आपकी हम पूरी पेमेंट देंगे लेकिन सुन तो पहले मेरी बात पूरी होने दो लेकिन वो पेमेंट के लिए नवंबर दिसंबर तक आपको वेट नहीं करा रहे। मैं ये कह रहा हूँ आप इस शुक्रवार को ही ऑफिस में मेरे पास आइए मिलिए आप ना आने से ना हो हमारा एग्जीक्यूटिव आपके पास आ जाएगा इस शुक्रवार को आपको चेक्स हैंडओवर कर देगा। ठीक है जी कि कौन सी डेट के नवंबर और दिसंबर की देखिए अब तो आप निकाल रहे हो यार आपसे नहीं आपसे 2-2.5 महीने ही तो मांग रहा हूँ एक चीज और छोटी सी चलो बोलो इतनी बड़ी ऐसा एक काम इतनी बड़ी कंपनी इतने स्टाफ है आपको ये पेमेंट रिफंड करने में इतनी दिक्कत नहीं एक आपको ऐसा लगता है दिक्कत आ रही है आपको ऐसा लगता है सुनिए मेरी बात नॉर्मल सी बात है दिक्कत आ रही है अभी आपकी वर्डिंग ने अभी 2 महीने मांगी चलो भाई कर चलो मैं कह रहा हूँ 2 महीने तो पूरा चला गया ना जी ना नहीं मानते अभी सुनो हम नहीं मांगे बात से मैंने तो बोल ही रहे थे नहीं 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 चाहिए भाई 2 महीने क्यों चाहिए 2 महीने आप एक तो ले लेते 6 लाख रुपए आपने लिए थे बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं 6 लाख जब आपने मांगे थे तो 1 लाख ले लेते पहले अरे सुनो मेरी बात एक सुनो मेरी बात आपसे जो टोटल डील थी वो हमने भी इंस्टॉलमेंट में लेनी थी ना यार कैसे नहीं कैसे इंस्टॉलमेंट में आप 6 लाख ही रुपए ले लेते ना 2 सालों में पेमेंट नहीं लेनी थी आपसे मैं सारी बात थोड़ी हम यार हम नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपने 6 लाख भी फिर क्यों इकट्ठे लिए मैं आपसे मेरा काम था ना आप काम रोक देते मैं जब तक मेरी पेमेंट तो फंसी हुई है ना आपके पास अरे मैं इतना 1 लाख रुपए दे रहा हूँ सिंपल आपकी वर्डिंग थी अब ये कोई नहीं कह रहा आपकी वर्डिंग थी इनका केस नहीं बनना था तो मैंने काम पहले ही
कैंसिल कर दिया, रोक दिया। बट अभी आपने ही बताया था कमेंट्स में यही कहा था कि इसके पास से आपका रिफंड, इनके पास से आपका केस आया उस दिन, हमने 6 लाख रुपए दिए, दायर रिफंड करेंगे तो ऐसे किस्तों में करेंगे, महीने के महीने, तीन तीन चार चार महीने लगा देंगे। पहली बात तो मैंने देता ही नहीं उस मेल देखनी नहीं, अरे हमने मेल देखनी नहीं। अरे मैं वैसे बता रहा हूँ, आप ये बात बताओ, आप किन से बात हुई थी जब आप इकट्ठे बैठे थे बात करने के लिए? सुनो सुनो, हम क्यों कर रहे हो आप हमारा पैसा, तो बात कर रहे नहीं, पैसे दे भी नहीं रहे, आपने किया ही नहीं, कौन से रहे हो? नहीं नहीं सुनिए, कौन सा चेक दे दिया जी? 20 दिन हो गए, आप लीजिए, आप शुक्रवार को आ जाइए। नहीं आ रहा मैं, यार मैं चक्कर क्यों काटा? मैंने आपको अभी क्या कहा, आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं। नहीं मैं आपको नहीं, आपके घर आपके एम्प्लॉय तो फोन ही नहीं करते। फ्राइडे को आपके घर में एग्जीक्यूटिव खुद आएगा यार, आप बैठे हो मेरी आपके सामने, आप विटनेस हो। अगर नहीं आता तो मैं बैठा हूँ ना यार, बात आपको क्या? अगर नहीं आता सुनिए, मेरी मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ जो आपने नहीं, यहाँ जो करना है और इस तरह की बात तो देखे करेंगे नहीं हम, ठीक है? लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो बहुत नहीं क्यों है, वो बातें तो कोई ना करे, ठीक है? क्योंकि देखिए वो बातें अगर हम करेंगे ना तो फिर तो कहानी बहुत दूर जग जाएगी, उसको नहीं करेंगे। मैं बड़े प्यार से इससे, आप मेरी बहुत वैल्यूड क्लाइंट है, हम खुद आपको वो करके चलो, लेकिन हम और ये जो हम रिफंड भी कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने इन क्लाइंट को अपनी आने वाली जिंदगी के लिए जीतना चाहते हैं। ये आज रिफंड, जिस दिन रिफंड हो जाएगा ना उस दिन के बाद एक वक्त आएगा जिस दिन ये मन में गिरेंगे, चल जो भी यार उन्होंने पैसा सारा वापस किया था, कंपनी इस मामले में बुरे नहीं, ठीक है? अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, फ्राइडे को आपके पास, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, मैंने आपसे सिर्फ 2 महीने मांगे, 60 डेज के अंदर अंदर, फ्राइडे से लेके 60 डेज आपके अंदर अंदर आपके दोनों चेक्स क्लियर हो, ठीक है वीर जी? अब कोई इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं रही, अब पीओ कब चाहिए बेकार में नाराज हो रही है, ये बात है, इतनी बात ही तो चेक की कह रहे हो, चेक कैश तो दिया जो अरेंज करने में इसकी अथॉरिटी एक ही जेंटलमैन के पास होती है, ट्रैवल कर रहे हैं। और एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि 24 साल से यहाँ पे बैठे हैं, ये 2 दिन और नहीं यहाँ पे इनको मिलेंगे, ऐसे सोचते हैं? बात वो है ना, नहीं बात वो है ना, उन्होंने एक बात बोली थी ना अभी, एक बात बताओ, एक मिनट, फ्राइडे को आप, एक मिनट, आपको मैंने कहा ना फ्राइडे को आपके पास चेक पहुँच जाएंगे, फ्राइडे को थर्सडे पहुँच जाएंगे, फ्राइडे का सैटरडे नहीं होगा, मामला खत्म। अगर जब सैटरडे हुआ तो ये अगर जब होने की बात होगी ना, तो फिर अगर पे करिए, जब अगर मगर हम करी किस लिए रहे हैं जब हमने ये बात कर दी? नहीं, 1% है, 1% नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती आपके क्लाइंट को आपने फोन करने के लिए बोला तो फोन ही नहीं आया। चलो ठीक है ना, मैं आप लोगों को खुद ये कह रहा हूँ, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना नंबर दे दो, हाँ बिफोर फ्राइडे आपके पास दो आ रहे, परसों फ्राइडे, हाँ परसों ही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, कौन सी महीने कोई, ठीक है, कह रहा हूँ ये रखे हुए दिन तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ ज्यादा दूर नहीं होते, नहीं जब इतना वेट किया तो 2 दिन और कर लेंगे, 2 दिन और कर लेंगे, हमें क्या है? उनसे कोई वो रिप्लाई नहीं आया, उस दिन रात को भी मैंने आपके पास फोन किया था, मैंने पहले ही समझा दिया था, तब भी उन बात, नहीं नहीं उन बात को भी 2 हफ्ते हो गए, नहीं ये फ्राइडे की बात है भाई जी, फ्राइडे की बात है, ये फ्राइडे की बात है, मैं लुधियाना से, मैंने आपको बोला था लुधियाना ट्रैवल कर रहा हूं, हां वैसे भी फिर इनका फर्ज क्या बना, इन्होंने तो मेरे पास फोन किया ही नहीं, अब सारी नाराजगी गिले शिकवे खत्म, शुक्रवार से तक आपको दिखाएंगे, चले यार रोहित भाई जो हुआ खत्म, मैंने वो कह दिया ना, अब आप लोग, मैं खुद भी नहीं चाहता यार अच्छे नियम, क्या इतना नाराजों की बातें करते, छोड़ो हो गया आपके साथ अभी, और ये इतना कन्फ्यूजन होता ही ना, सच बता रहा हूँ, ये अरविंद ने अगर कल फोन करा तो बात ही नहीं होती, मैं स्पेशली बोल के मैं कल 4:30 बजे ऑफिस आया हूँ, और एक वो मैटर था मैला, हाँ बेटा उनको ना मैंने ट्यूसडे का दिन दिया था क्योंकि मंडे ऑफिस छुट्टी थी, उनसे एक रिक्वेस्ट कर ले, क्योंकि तू कह रहा है कि तेरी बातचीत उनसे होती रहती है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करके देख ले, मुझे बता दे, कह रहे सर मैं कह देता हूँ बस, अब चलो कोई ना, 2 दिन भी दिए, ठीक है दिए, और 2 दिन और से क्या दिक्कत है, जब इतना वो होता, फिर 2 दिन में जो चेक आए वो किस अमाउंट का आएगा, और
कैसे उसमें वो आपकी बात जो तीन तीन के दो आएंगे इस चीज पे तो आप भी कर सकते होंगे कि हम पेमेंट क्लियर होने के बाद आपको साइनिंग अथॉरिटी दे देंगे। मैं भी यही लिख रहा हूँ कि ये चेक जो है ये फुल एंड फाइनल हमारी तरफ से तभी माना जाएगा जब इनकी ये पेमेंट के बैंक अकाउंट में जाएगा। वही कह रहा हूँ तो मेरी मान लो देखिए मान लेना बड़ी सिंपल सी बात है उसमें कोई लंबी चौड़ी है नहीं वो तो मैं उसमें क्या रह जाएगा चलो ठीक है अपनी फिर एक आप हमारी मान लो एक आप हमने मान लिया आपकी एक हमने आपकी मान तो ली अरे नहीं आप समझे नहीं अभी भी यार मैंने की बात तो मानी है कि उसमें ये लिखेंगे हम कि जी ये चेक एंड कैश होने के बाद ही ये फुल एंड फाइनल माना जाएगा उसी में तो आप साइन कर रहे हो आपको दिक्कत नहीं है एड्रेस वगैरह तो आपके पास है किस टाइम तक कोई हमारे उससे तो केस होता हमने हमने इस कंपनी का नाम नहीं शो कराया मतलब जो क्लाइंट थे जो हेड था वो भी हमारे से बात करी आप देख लोगे वीडियो में हमने किसी का भी फेस क्यों रिवील नहीं कराया क्योंकि भाई उन्होंने हमारी पेमेंट अब क्लियर कर दी है और उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमारी कंपनी का नाम वगैरह कुछ मतलब बताना नहीं तो इसलिए हमने वो सब हाइड कर दिया लेकिन ये व्लॉग हम मतलब इसलिए डाल रहे हैं कि आप सब इस ऐसे कंपनी के या ऐसे किसी भी आदमी के चक्कर में ना पड़ो ठीक है। बाकी वो लोग पूरा देखना भाई बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए और जो भी पेमेंट करो ना भाई ना मतलब चेक में करना हार्ड कैश मत करना जो भी पेमेंट करो बाकी आप आगे लोग एंजॉय करो।